ने दो बार करवा चौथ का व्रत रखा पाकिस्तान में, उसने हिंदू धर्म ग्रहण किया वहाँ, क्योंकि मूर्ति पूजा होली और दिवाली और गणेश और लक्ष्मी पूजा करने के बाद मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई मुस्लिम को हिंदू में रहने देगा, उसे काफिर बना देते हैं, काफिर की तरह ट्रीट करते हैं। 2022 तक उसके पिता रहे, जीवित थे, उनके साथ रहती थी, क्योंकि तलाक तो उसका 2004 साल पहले हो चुका था। तलाक देने वाला पति जो गुलाम हैदर साहब हैं, पहली पत्नी को छोड़ा, पहली पत्नी के बच्चे तो अपने साथ रख लिए, फिर दूसरी पत्नी की इसके 4 बच्चे पैदा हुए, इसको बच्चों सहित छोड़ दिया, इसने कहा बच्चों को ले लो, बच्चों को रख लो जैसे पहले वाली की रख रहे, उसके बच्चे भी छोड़ दिए, अब तीसरी पत्नी उनके पास है, अब वहाँ तो चल जाता है, वहाँ की तो शरीयत कहती है चल जाता है। भारत में मोदी जी ने ट्रिपल तलाक क्वैश कर दिया, तो इसके बाद फिर वो भारत नेपाल से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, भारत से नहीं पाकिस्तान से डायरेक्ट फ्लाइट काठमांडू नहीं है, वैलिड वीज़ा वैलिड पासपोर्ट से, दोस्ती उसकी पबजी से हुई, कोई साधन हो सकता है, सोशल मीडिया है, वहाँ से पाकिस्तान से वो दुबई आई वैलिड पासपोर्ट वीज़ा, दुबई से वो पहली बार दुबई से काठमांडू आई वैलिड पासपोर्ट वीज़ा, काठमांडू सचिन पहना पहुँचा, वहाँ उन्होंने हिंदू धर्म तो ग्रहण कर ही चुकी थी, हिंदू धर्म के अनुसार ही काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की, हिंदू संस्कार से शादी की, 7 दिन होटल में रहे। आपको ये भी शक है कि वो सही बोल रही कि झूठ, आप उसका पोलीग्राफी टेस्ट कराइए, नार्को टेस्ट कराइए, ब्रेन मैपिंग कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, बेहतर से बेहतर जांच कराइए, जो आप अपने राजदूत हैं पाकिस्तान में उनसे लीजिए, आपके दुबई के राजदूत से लिए, सबका प्रयोग करिए ना साहब, क्यों बैठे हो, उन्हें सब पैसे मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही, नेपाल के राजदूत से पता करिए, सारी चीज़ें हमने क्लियर क्रिस्टल दे दी हैं। अंधे प्यार के करने वाली महिला है वो, अंधा प्यार किया, भोली भाली है। तो अभी आपकी तरफ से राष्ट्रपति को एक याचिका, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को आर्टिकल 72 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 2 के तहत हमने पिटीशन उसकी तरफ से लगाया। क्या मांग है उसकी? हमारी मांग है कि सब जांचें पूरी हो जाएं उसके बाद और सही निकल आएं, अगर जांच में थोड़ी दोषी पाई जाए तो आप उसे डबल सजा दो, आतंकवादी हो उसे डबल फांसी दो, ISI की सदस्य उम्र कैद दो, उसे हनी ट्रैप गैंग की सदस्य हो उसे डबल सजा दो, और मैं ऐसा व्यक्ति हूं अगर कोर्ट में जरूरत पड़ेगी बोलूंगा मैं, अगर मैं सीमा के बचाव के लिए बोल सकता हूं, अगर मैं डोली आई है गोलियां बंद हुई है सीमा से मैं ये बोल सकता हूँ तो मैं फांसी की भी मांग कर सकता हूँ। तो अभी मामला राष्ट्रपति जी के, देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास है, मैं कल गया था रघुपुरा, मिला, बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो मिली, उसका पति बीमार हो रहे हैं, देखिए ना आप, देखा नेशनल चैनल सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक उसका पूरा, द्रौपदी का तो एक बार चीरहरण हुआ था, वो तो पांडवों के बीच में हुआ, कितना उसका चीरहरण होगा, महिला है, हमारे देश ने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पाकिस्तान ने तो नहीं दिया, हमारा देश कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पाकिस्तान तो नहीं कहता है, हमारा देश कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, पाकिस्तान नहीं कहता है, और ऐसी नागरिकता इस देश के पाकिस्तान अफगानिस्तान श्रीलंका के लोगों को समय समय पर मिली, अदनान सामी को नागरिकता मिली, अक्षय कुमार अभी भी कनाडियन नागरिक है, दीपिका पादुकोण अभी भी विदेशी नागरिक है भारत में रह रही, तिब्बत में दलाई लामा के साथ आए हुए सारे लोग दिल्ली के मजनू के टीला और हिमाचल में धर्मशाला में रह रहे हैं, रोहिंग्या मुस्लिम आए 1971 के युद्ध के बाद लाखों लोग आए और भारत में रह के बस रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी खतरा है लेकिन वो रह रहे हैं, ये बेटी है, जैसे माननीय मोदी जी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबके साथ न्याय होना चाहिए।